हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका वसुबी ब्लॉग्स में। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, ठंडा ठंडा वाला, क्योंकि आज बारिश हो गई है। तो दो दिन मस्त धूप खिल रखी थी, बिल्कुल चटकदार, और आज बारिश ने काम बिगाड़ दिया, बहुत ही ठंडा हो गया है मौसम। तो स्कूल भेज चुकी हूँ और मैं अंदर आ गई हूँ और मैं सेक रही हूँ हीटर। तो बाहर पड़ रही थी बारिश और जब मैं बाहर की चप्पलें पहनी तो मेरी सारी सॉक्स थोड़ी थोड़ी गीली हो गई है, मैं उनको तो पैर में ठंडा लग रहा है। कल जैसे कि मौसम ठीक ठाक हो गया था, कल परसों दो दिन गर्मी हो रही थी और आज फिर से बारिश पड़ने से, वैसे ठंडा तो नहीं है बट फिर भी ये होता है कि बाहर जाना नहीं होता है हम लोगों का। तो फिलहाल बैठते हैं अंदर और अंदर का ही काम होगा आज। आज सुबह उठ के मुँह ऐसे सूजा रहता है मेरा, पता नहीं क्यों सूजा रहता है मुँह। और फिलहाल मैं पी रही हूँ नींबू पानी और करते हैं थोड़ा सा योगा। तो नींबू पानी इसलिए पिया जा रहा है मेरा बिकॉज ऑफ किडनी स्टोन्स, तो किडनी में पथरी हो गई है। तो किसी ने कहा है खाली पेट नींबू पानी पीजिए और पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है। तो घर में मची एक घमसान, इसको सही करती हूँ मैं, उठती हूँ। तो बिना लाइट खोले घर का सीन कुछ इस तरह से है। तो बिना लाइट खोले बहुत ही अंधेरा हो रखा है घर में और चलते हैं अपने दिनचर्या की और करते हैं घर का सारा काम और उसके बाद घुस जाते हैं रजाई में, नाश्ता वगैरह करके। पर्दे वगैरह खोलने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से ठंडी आ जाएगी। और ये भी आज ऐसा ही रहेगा। तो लाइट तो चली गई है और अब मुझे पर्दे खोलने पड़ रहे हैं, लेकिन क्या बेकार सा मौसम हो रखा है आज सारा, हुआ बहुत ही बोरिंग बोरिंग। और ऊपर से लाइट चली गई तो फिर मैं टीवी भी नहीं देख सकती हूँ। और जरा बाहर का नज़र देख लेती हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, हमारा डोई वाला किसी भी हालत में खूबसूरत ही दिखता है, तो मुझे तो हमेशा खूबसूरत ही लगता है क्योंकि नेचर के पास रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। और आंगन का झाड़ू भी यहीं तक मारा हुआ है। और ये है मेरा प्लांट, ये गुलाब है येलो वाला और ये रेड वाला। तो ये मैंने रात को यहाँ रख दिए थे क्योंकि परसों मैंने इनमें दवाई डलवाई थी, तो इतनी हैवी रेन फॉल हो रही है तो मैंने सोचा कि इसकी सारी दवाई पानी के साथ निकल जाएगी इसलिए। और ये नींबू का पौधा भी मैं यहाँ ले आई थी। मैंने कुछ कटिंग्स भी लगाई हैं, तो कटिंग्स लगाई है मैंने डहेलिया की और मेरे पास कुछ समर सीड्स भी हैं तो उनको बोऊंगी मैं, तो देखती हूँ कहाँ बोऊंगी। एक गमला खाली करना पड़ेगा उनके लिए भी। और कटिंग्स वगैरह आपको अगर लगानी है या फिर वो गुलाब की हो या भी किसी भी चीज़ की हो तो इस टाइम पे आप लगा सकते हैं। तो अगर आपको कोई कटिंग लगानी तो आप फटाफट से रेडी कर लीजिए। इस टाइम पे मौसम बहुत नम रहता है और कटिंग अच्छे से फटाक से ग्रो कर जाती है हमारी। तो फिलहाल तो टोर कर देते हैं बंद क्योंकि बाहर हो रहा है ठंडा ठंडा थोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी, तो हमारे धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं, तो जितना मुझे पता है मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। तो जैसे कि हम लोग पूजा पाठ तो करते ही अपने घर में, आप लोग भी करते होंगे जो भी आपके आराध्य देव हैं। तो जब भी हम लेडीज़ें पूजा करने जाती हैं तो नॉर्मली रोज़ बाल धोना नहीं हो पाता हमारा, तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता है। मैं भी नहीं धोती हूँ, जैसे कि मैंने आज नहीं धोए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमको बिना बाल धोए मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो जब भी लेडीज़ें किसी भी रूप से अशुद्ध रहती है ना, तो वो नॉर्मली स्नान करके अगर बाल नहीं धोती हैं तो पूजा नहीं करनी चाहिए ऐसे में। तो अगर आप किसी भी तरीके से अशुद्ध हैं तो हमेशा अपने बालों को धोकर ही मंदिर में जाइए, क्योंकि जो हमारा सर है ना वो हमारा ब्रह्म है, इसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, और इसका शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि आपने अपना बदन धो लिया तो आप शुद्ध और स्वच्छ हो गए। बाकी आप नॉर्मली कभी कभार बाल धो के नॉर्मली अपने बदन धो के पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अशुद्ध हों तो बालों को ज़रूर धोएं। और जब भी हम लेडीज़ से पूजा करती हैं ना, तो हमेशा अपने बाल थोड़े बहुत सुलझा के, वैसे इतना टाइम नहीं मिल पाता है मॉर्निंग में, लेकिन अगर बाल गीले हैं तो थोड़ा उनको टॉवल से
चटक करके थोड़ा सा सुलझा के और हमेशा बालों को बांध कर ही पूजा करें, तो बाल खोलकर पूजा करना भी ठीक नहीं माना गया है। तो बाल फैला के आजकल तो लड़कियां पार्लर में जाके बालों की इतनी अच्छे से मतलब जो भी है डेंटिंग पेंटिंग करवाती हैं, तो बाल खोल के उनको अच्छा लगता है कि हम बहुत ब्यूटीफुल दिखेंगे, चलो मंदिर चलते हैं। या फिर इधर उधर उत्तराखंड में तो वैसे भी हम गढ़वाली लोग तो काफ़ी वो करते हैं बालों के, कि बाल खोल के इधर उधर नहीं जाना है, नदी नाले मंदिर कहीं भी। तो सच में बाल खोल कर पूजा नहीं की जाती है, तो ये हमारे धर्म में भी है। और जो भी सुहागिनी स्त्री है ना, तो जैसे कि आपने चोटी कर ली, अपने सर को कभी भी नंगा ना रखें, कोई भी हो, अनमैरिड हो मैरिड हो। और अगर जो सुहागन स्त्रियां हैं तो उनको अपना श्रृंगार करके ही सूर्य को और प्रभु की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि बिंदी सिंदूर और गले का सूत्र पायल चूड़ी वगैरह। तो आजकल तो लोग पहनते भी नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। आपको भगवान ने जो सौभाग्य प्रदान करा है एक सुहागन होने का, तो उसे प्रभु के सामने आप उसी रूप में जाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो अच्छा नहीं माना जाता है अगर अपना हाथ धो के माथे पे बिंदी नहीं है, सिंदूर नहीं है, गले में सूत्र नहीं है, हाथों में चूड़ियां नहीं है, आप अगर इसी तरीके से जाते हैं तो प्लीज़ ना जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी, आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो मैं कर रही हूँ अभी पूजा बत्ती, और ये ड्रॉर्स में रखे हैं, ये मंदिर से मिली थी मुझे चुन्नी, तो मैंने इसको यहीं तय करके रखा हुआ है। और जला लेते हैं, गूगल धूप पतंजलि की धूप है और अलग अलग फ्लेवर आते हैं, तो मैं लेके आ जाती हूँ। और ठंड में धूप इतनी हार्ड हो गई है ना, मेरे से बनाई नहीं जा रही, और हाथ भी काफ़ी ठंडे हो गए हैं। तो करते हैं दिया बत्ती, और आपको भी कोई जानकारी पता हो इस चीज़ के बारे में तो प्लीज़ मुझे भी बताएं, मेरे साथ भी शेयर करें कमेंट में। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में बताना। तो जब ये धूप जलाती हूँ ना मैं, तो इसका जो काला काला निकलता है ना ऊपर मालाओं पे लग जाता है, इसलिए मैंने मालाएं कर दी हैं मंदिर में कम, सिर्फ दो ही मालाएं, क्योंकि उनको दोनों में इतनी आफत आ गई ना, मुझे क्या ही बताऊँ। तो इस तरीके से मैंने कर लिया मंदिर से आप पूजा, और ये दिया ऐसे ही रहता है, इसमें कूड़ा वगैरह डालती हूँ मैं। तो मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट टट बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।